राधे राधे, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का समय है और बाबू चला गया है स्कूल। अभी उसे स्कूल भेज के मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, चाय के सारे बर्तन पड़े हैं और मेरा रूम का हालत, किचन का हालत आप लोग देख सकते हो। और हस्बैंड ने कुछ निकाला था बेड से और बेड ऐसे ही छोड़ के चले गए। और अभी सुबह 9:30 बज रहा है और बाहर का हालत भी कुछ इस तरीके से है। मैंने ये सोचा था कि किचन का काम करते करते मैं सारा काम कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। अब जो है मुझे सारा काम समेटने हैं और इसलिए मैं लग गई हूँ यहाँ पे काम पे। और यहाँ पे कंबल, तकिया, सब कुछ अब मुझे फोल्ड करना है। अब दोस्तों, बहुत हद तक ठंड कम हो गई है, पहले से बहुत तो कम हो ही गई है। अब बस फरवरी लास्ट तक ठंड रहेगी हल्की फुल्की, उसके बाद तो मार्च में ऐसा ठंड रहेगा कि स्टॉल होल्ड ओढ़ लो, फिर भी ठंड जो है आपका मतलब उतना भी ठंड नहीं लगेगा। मार्च में तो ऐसा होता है कि रजाई कंबल ओढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, और गर्म सूट पहनना तो आप छोड़ ही दो, उसमें तो पसीना आने लगेगा, इतना गर्म मतलब गर्मी पड़ जाती है, इतनी ठंड नहीं रहती है। अब बस 15-20 दिन की और है ये तकिया वगैरह कंबल वगैरह फोल्ड करना है, उसके बाद ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद सब कुछ क्लीन करके फिर से अपने अपने जगह पे सेट हो जाएंगे सब लोग। इसलिए अब ये लोग अब 15-20 दिन का ही मेहमान है, तो चलिए इन्हें सेट करके रखते हैं। और दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर देना, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो या फिर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो चलिए, ब्लॉग भी कंटिन्यू रहिए और मेरे साथ देते रहना, ढेर सारा प्यार सपोर्ट तो ज़रूर देना। और यहाँ पे देखिए, सारे कंबल वगैरह तकिए वगैरह मैंने सेट करके रख दी हैं। अब बेड क्लीन मतलब झाड़ने से पहले मैं रूम का जो जाला वगैरह है सब कुछ मैं क्लीन करके देती हूँ। रोज़ तो नहीं हो पाता है, और जाले ना एक दिन क्लीन करो तो दूसरे तीसरे दिन फिर से होने लगता है, पता नहीं मैजिक होता है क्या होता है, लेकिन होता है, क्यों मतलब हो ही जाता है। और जो लोग क्लीनिंग का घर पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग हाउसवाइफ है, उन्हें इस चीज़ से जो है जूझना ही पड़ता है। तो रूम कितना भी आप क्लीन रखो ना, रूम में अगर छोटा मोटा जाले हो जाए ना तो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, और उसे क्लीन भी करना चाहिए, क्योंकि ना छोटे मोटे बहुत ऐसी चीज़ है ना जिससे आपके घर का सुख शांति बरकत बहुत मायने रखता है। होने देखने में तो ऐसा लगता है कि ये छोटा मोटा चीज़ है, इससे क्या होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ ना ऐसे होते हैं कि उससे भी बहुत फर्क पड़ता है घर परिवार को। और जैसे कि घर में जाला कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी सास, मेरी मम्मी, जो लोग गांव में रहते हैं ना, उन्हें ज़्यादा इस चीज़ उनके मुंह से ज़्यादा सुनी जाती है कि घर में जाला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जाला अच्छा नहीं है। मतलब हल्का फुल्का हो जाए, आप हफ्ते में एक बार क्लीन करो तो सही है, लेकिन जाला महीने से महीने जाला मतलब है, आप साफ नहीं कर रहे हो, तो उसमें ना आपका घर का जो है बरकत कम होते जाता है, लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि भगवान का वास वहाँ पर होता है जहाँ पर शुद्ध होता है, सब कुछ क्लीन रहता है। और घर को मंदिर बनाने के लिए ये तो हमें करना ही पड़ेगा। एक्चुअली घर तो मंदिर नहीं होता है, वो हमारा सोच है। जितने अच्छे से आप रख पाओगे उतना सुख शांति आपको मिलेगा, क्योंकि घर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे आके आपको शांति मिलती है। जैसे हम लोग ना मायके जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन अपने घर जैसा शांति हमें कहीं नहीं मिलती, कहीं पे भी नहीं। शादी से पहले जैसे रिश्तेदारों के घर में जाते थे तब तो ऐसा लगता था कब घर जाए, कब घर जाए। अब जो है ससुराल से जब मायके जाते हैं तब ऐसा लगता है कब ससुराल फिर वापस जाएंगे, क्योंकि वो हमारा अपना घर है, मायका भी अपना है, लेकिन वैसा नहीं। अब जो है थोड़ा सा रिश्तों के साथ ना थोड़ा सा फीलिंग्स बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। इसलिए वो घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आके आपको शांति मिले। जैसे कि हमें अपने घर पे आके शांति मिलता है, तभी शांति मिलेगी जब आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा। तो वही बात है, सुख शांति जो है अपना घर के ऊपर भी कुछ कुछ डिपेंड करता है, इसलिए छोटी मोटी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मेरे घर में ज़्यादा जाला मैं कभी भी नहीं होने देती हूँ, हफ्ते में एक दो बार जब भी मैं देखती हूँ ना हल्का फुल्का जाला होने लगा है तब भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, रूम को अच्छे से
क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई बाहर। कल रात का थोड़ा सा चावल बच गया था, क्योंकि ना कभी जो है चावल उठ जाता है, कभी जो है ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा हो जाए तो मैं निकाल के रख देती हूँ, वो दोपहर में गर्म करके जो फ्राई करके दे देती हूँ, तो सब लोग खा लेते हैं। और इतना नहीं कि वो छोटी सी कटोरी चावल से तो होता नहीं है, फिर मुझे बनाना भी पड़ता है। लेकिन जो है मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, चावल निकाल के जितने भी सारे बर्तन है ना, सारे बर्तन में निकाल के नल के पास रख के आई हूँ क्लीन करने के लिए। और टेबल को भी साफ, मतलब साफ कपड़े से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे अभी क्लीन करना है, और जो कपड़े क्लीन है वो मैं यहाँ पे फोल्ड करके रख रही हूँ। और आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, या फिर कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है, प्लीज़ अभी अभी कमेंट करो कि वो बदला बदला सा क्या है। जो लोग मेरे रोज़ का ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि ये जो बेड है ना, तखत है, खटिया है, सब लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं यहाँ पे। जैसे बोलते हैं खटिया, बहुत जगह पे बोलते हैं तखत, उसे बोलते हैं ना जो लकड़ी का बना होता है, वो होता है तखत, और इसे खटिया ही कहते हैं मुझे लगता है ज़्यादातर सब जगह में। तो ये खटिया उस साइड में रखा हुआ था, फिर मैंने अभी जो है इधर रख दिया, क्योंकि सुबह के टाइम अब तो ठंड नहीं है, ठंड तो है लेकिन धूप निकल आता है सुबह सुबह ही, तो यहाँ पे रखती हूँ तो सुबह सुबह यहाँ पे चाय पी सकते हैं धूप में बैठ के। तो इस सेट में मैंने खटिया रख दिया है, और उस सेट को मतलब खाली कर दिया है सब कुछ। और देखिए बाहर भी हल्का फुल्का जाला हो गया था, तो मैंने जाले क्लीन कर दिए। यहाँ पे देखिए इतना मतलब छोटा छोटा जाला है, जो कि मैं कभी कभार दो तीन दिन बाद तो साफ करती रहती हूँ, लेकिन फिर से हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू से मैं ऐसे लगे हाथ इसे भी क्लीन कर दे रही हूँ, और उसके बाद लगाती हूँ झाड़ू। बेडरूम में मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, अब बाहर झाड़ू लगा देती हूँ। अब देखिए मेरे रूम में कितने अच्छा धूप आया है अंदर। तो ऐसे ना रूम में अगर धूप आ जाए ना, इससे एक पॉजिटिव वाइब मिलता है, और रूम अगर क्लीन रहे तो कोई मतलब बोलता है ना सोने पे सुहागा, वैसा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे गेट खोलते हैं। गेट मैंने इसलिए बंद करके रखा था ना कि बाहर धूप तो है लेकिन बहुत हवा चल रही, बहुत ज़्यादा, इसलिए धूल बार बार अंदर आ रहा था, अंदर की तरफ आ रहा था, तो मैंने गेट बंद करके रखा था। अब मैं जो है बाहर सारे देखिए पेपर वगैरह है सब कुछ मैं निकाल रही हूँ। पहले खटिया इस कोने पे रखा हुआ था ना, तो बाबू जो है पेपर वगैरह तोड़ तोड़ के नीचे गिराता रहता था, वो ही जो है कल का पेपर है, सब मैंने जो है कूड़ा कचरा बाहर निकाल के रूम को कर दिया क्लीन। अब बाहर आंगन में भी मैंने झाड़ू लगा दिया, पूरे आंगन को मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आ गई किचन में। अब जो है घर से फ़ोन आ गया था, तो घर पे बात करते करते मैं यहाँ पे काम भी कर रही हूँ, और जो है अकेली रहती हूँ ना तो घर से फ़ोन आ जाता है, तो सबसे बातें करते करते हंसते खेलते मेरा दिन गुजर जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं है ना जिनके साथ मैं बात कर सकूँ, बस आप लोग हो जिनसे मैं बात करती हूँ, अपनी मन की बात बताती हूँ। अब जो है मेरा परिवार वाले हैं जो लोग फोन करते हैं, उनके साथ बातें हो जाती हैं, आमने सामने तो मिल नहीं पाते हैं, मतलब महीने महीने तक हम लोग मिल नहीं पाते हैं, तो फ़ोन पे बात हो जाता है, तो वही तसल्ली मिलती है, अच्छा लगता है कि मन हल्का हो जाता है ना किसी से बात करके, वैसा वाला फीलिंग होता है। और यहाँ पे जितना भी इधर उधर मसाला के डिब्बे वगैरह फैले पड़े थे ना, सब कुछ मैंने सेट कर दिए हैं। अब देखिए ये जो बर्तन है, रोटी वगैरह, रोटी बनाई थी, कढ़ाई वगैरह, सब मैं निकाल के लेके जा रही हूँ। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबू को मैंने क्या बना दिया, बाबू को मैंने पराठा और आलू की सब्जी बना के दे दिया था सुबह लंच में, और बाबू वो ही खा के गया है, और हम लोगों ने चाय पी लिया है। हस्बैंड जो है सुबह ना बहुत ही ज़्यादा कम चाय नाश्ता करते हैं, उन्हें तो चाट पकौड़ी, जैसे फूल गोभी की पकौड़ी बना, आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी चाय के साथ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ऐसे कहो कि रोटी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही कम मन करेंगे, मन होगा तो ही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ऐसे जो है थोड़ा सा मुझे इस तरीके से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, और उनका जब फरमाइश होता है तो तुरंत मैं इसीलिए बनाती हूँ कि मूड ना चेंज हो जाए। तो चलिए यहाँ पे देखिए सारे सब्जी वगैरह सेट करके, मसाले के डिब्बे वगैरह सेट करके, जितने भी सारे झूठे बर्तन थे सारे बर्तन में नल के पास रख के आई हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है, जो बर्तन मतलब सब्जी के छिलके वगैरह हैं सब नीचे निकल जाए, उसे मैं झाड़ू से क्लीन कर सकती हूँ। क्योंकि गैस के चूल्हे पे ना कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपको जो है खाना
बनाने की बनाने में सहायता करते हैं, तो उसमें झाड़ू ना लगाना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहता ना कि ऐसी है कि हमें मानना ही पड़ता है, हम लोग मन से मानते हैं तो वही बात है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं सिलौटे में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए, वैसे खाने की जो थाली है उसमें पैर लगे तो तुरंत जो है उसमें प्रणाम करना चाहिए, तो वही बात है, जो जिस चीज़ को मानता है तो उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे देखिए किचन में मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद जो रुई निकाल के रखा था ना, अब वही यहाँ पे चटाई बिछा के मैं धूप में रख रही हूँ ताकि धूप लग जाए और अच्छे से रुई जो है फूल जाए, तो अच्छे से मैं कुछ भी जो है कार्टून मतलब वही है मतलब टेडी बियर में भर सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई किचन में जो है गैस को मैं क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए दीवार पे पेपर चिपकाने से ना इतना ज़्यादा तेल इसमें चिपक गया, आप लोग देखो वही तेल दीवार मतलब दीवार पे लगता था और दीवार इतना ज़्यादा देखिए तेल तेल हो गया था, अब जो है पेपर में चिपकता है, पेपर में जो है बदल भी सकती हूँ। अब मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो दीवार कितना ज़्यादा गंदा होता होगा जब तेल उसमें गिरता है, पेपर ही इतना काला काला सा हो गया है, 2-3 दिन में मैं ये पेपर भी चेंज कर दूंगी, कलर पेपर चिपका दूंगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए गैस को क्लीन करके अब मैं लगा रही हूँ किचन में पोछा, तो पोछा जब तक मैं किचन में नहीं लगाती हूँ ना तो मुझे किचन ऐसा लगता है कि किचन क्लीन ही नहीं हुआ है, और मुझे सब कुछ क्लीन चाहिए होता है। और यहाँ पे बाबू का जो कुछ कपड़ा है कल मतलब पहना हुआ था, अब पहन के पूरा दिन गुजारा उसने मतलब स्कूल से आने के बाद, वही कपड़े मैंने यहाँ पे क्लीन किए, और बाबू का जो टेडी बियर है उसे भी क्लीन करके मैंने धूप में डाल दिया सूखने के लिए। अब बर्तन वगैरह सब धुल चुके थे, अब इस नल के पास यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के सब कुछ क्लीन करती हूँ। और इसी तरीके से ना आप छोटी छोटी बातों की ध्यान रखोगे तो आपके घर में भी लक्ष्मी हर टाइम जो है विराजमान रहेंगे, इसीलिए आपको भी हर एक छोटी छोटी बात पे ध्यान जरूर रखना चाहिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ भी ना आपके घर का जो है सुख शांति बरकत को लेके आता है। और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा रूम हो चुका है क्लीन। तो दोस्तों आज का ब्लॉग भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टाटा बाय बाय।